hello everyone uh, in today's uh, session we will continue our discussion uh, of the uh, connective tissue and uh, in this session we will discuss the fluid connective tissue okay why it is fluid connective tissue because it occur in the fluid form okay and it will include basically two uh, uh, thing two types uh, it will be of two types uh, one is of uh, one is uh, blood and the second one will be uh, lymph okay so

परसेंटेज uh, में होगी ओके सो बेसिकली जो फ्लूड होती है वो uh, होती है फिफ्टी फाइव परसेंट के फॉर्म में और जो हमारा सेल्स होता है वो होता है उसको अपन फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं पर आपके लेवल टेंथ के लेवल पे अपन सेल्स के फॉर्म में ही डिस्कशन को रखेंगे तो वो होती है फोर्टी फाइव परसेंट ओके तो अगर हंड्रेड परसेंट अगर तो टोटल ब्लड है तो उसके अंदर फोर्टी फाइव परसेंट सेल्स होंगे और मैट्रिक्स जो उसकी होगी ब्लड की वो होगी फिफ्टी फाइव परसेंट ठीक है आई होप इट क्लियर्स यू नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि जो ब्लड होते, है होते हैं ना उनके अंदर ना फाइबर्स एबसेंट होते हैं ठीक है फाइबर्स एबसेंट होंगे जो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मैट्रिक्स इज इन द फ्लूड स्टेट एज एज वी डिस्कस कि जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा फ्लूड स्टेट के अंदर होगा और उसी फ्लूड स्टेट में जो सेल्स होंगे वो सस्पेंडेड uh, होंगे ठीक है जैसे आर हो गई डब्ल्यू हो गई या फिर प्लेटलेट्स हो गए ठीक है आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि कंबाइंडली कितना बनाते हैं फोर्टी फाइव परसेंट ओके जो हम मैट्रिक्स होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं ठीक है ब्लड का जो मैट्रिक्स होती है फ्लूइड स्टेट में जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं प्लाज्मा तो प्लाज्मा का परसेंटेज कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव परसेंट ओके नेक्स्ट ब्लड का जो फिजिकल अपेयरेंस है वो कैसा है ब्राइट रेड इन कलर होगा अगर किसी यंग वन का आप देखो तो उसका ब्लड ज़्यादा ही ब्राइट रेड होता है जैसे जैसे एज आता रहता है ऐज बढ़ता है वैसे थोड़ा सा कलर उसका डल भी होता जाता है लेकिन अगर किसी भी यंग वन के आप देखो ब्लड तो उसका हमेशा ब्राइट रेड कलर की ही वो ब्लड होगी ओके तो उसका एक फिजिकल अपेरेंस हो गया कलर आ गया दूसरी बात जो अपन ऊपर कर रहे थे जो इसके सेल्स होते हैं ब्लड के सेल्स होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं और हर आ, आ, जो थ्री टाइप ऑफ सेल्स है फाउंड इन द ब्लड ओके द फर्स्ट वन इज इरेथ्रोसाइट एरेथ्रोसाइट का जो मोर पॉपुलर नेम जिससे हम अपन जानते हैं वो है आर बी सी सेकेंड वन इज़ द ल्यूकोसाइट ओके दैट इज डब्ल्यू बी सी और जो थर्ड होता है उसको सेल uh, है कंपोनेंट है वो है प्लेटलेट्स Plate तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स ओके अब देखो जो ब्ल ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है ना उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं कुछ सॉल्ट भी होता है कुछ हारमोन्स भी होता है तो अगर प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन कंपोजिशन अपन से कोई पूछे तो अपन बोल बोल सकते हैं कि प्लाज्मा कंटेंस प्रोटीन्स सॉल्ट्स एंड हारमोन्स ओके सो एन सी आर टी ने डिस्कसन है ये तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि आर द कम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा तो इट कंटेन्स प्रोटीन सॉल्ट एंड हारमोन्स सो अब अपन ने यहाँ पर देखा है कि ब्लड uh, के थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं नाउ वी विल डिस्कस देम सेपरेटली ओके सो वी विल स्टार्ट आवर डिस्कसन विद द रिथ्रोसाइट ठीक है इरेट हमने देखा था उसका जो मोड पॉपुलर नेम क्या है आर और आर की अगर हम उसे फुल uh, फॉर्म अपने को बताना पड़े तो इट विल बी इट विल बी रेड ब्लड कार्पस्कल्स कार्पस्कल्स को आप सेल्स भी समझ सकते हो ठीक है अब बेसिकली जो इिथ्रोसाइट uh, uh, है ना इसका नाम इसके इसके नाम के पीछे ना आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है ना उससे रिलेटेड जैसे आर जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में जो दिखता है उसके हिसाब से इसका नाम पढ़ा था ठीक है तो कैसे हुआ था ग्रीक लैंग्वेज में या ग्रीक वर्ड में जो एरिथ्रोज होते हैं एरथ्रोज का मतलब होता है हॉलो हॉलो मतलब जो सॉलिड नहीं है खाली है खोखला हिंदी में जो कहते हैं ना और साइट साइट जो कहते हैं वो किसी सेल के रिस्पेक्ट में हम ग्रीक वर्ड में यूज़ करते हैं तो एथ्रो साइट का अगर हमको अगर ग्रीक वर्ड में जो मतलब निकल के आता है वो आता है हॉलो सेल का ऐसा सेल जो हॉलो हो ठीक है जो खोखला हो ठीक है जो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ना हो ठीक है ना जिसके अंदर गैप हो जिसके आ, उसको अपन कहेंगे हॉलो हॉलो तो पता ही है अपने को तो एथ्रोसाइट कै, कैसे होते हैं हॉलो सेल्स होते हैं ओके okay. जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिथ्रोसाइट के रेस्पेक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ये न्यूक्लियस एबसेंट होती है डैट इज़ नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं ठीक है तो बिल्कुल ध्यान रखना कि जो आर होते हैं और ये सारे मैं ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ह्यूमन क्योंकि बॉडी के हिसाब से तो आप याद रखना कि उनके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस एबसेंट होती है ठीक है जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गनल है जैसे न्यूक्लियस हो गया माइड्रोकॉन्डिया हो गया या फिर राइबोसोम हो गया ये एबसेंट होंगे ओके तो क्या क्या एबसेंट हो गया न्यूक्लियस एब्सेंट हो गई और सेल ऑर्गन भी एबसेंट हो गए ओके okay. जो नेक्स्ट जो हमने देखा था कि जो रेड ब्राइट रेड कलर होता है ब्लड का वो क्यों होता है तो उसके पीछे रीजन है हीमोग्लोबिन तो रेड आरबीसी uh, के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं तो इस वजह से उनका कलर क्या होता है रेड uh, कलर का होता है नाउ सेप दिखते कैसे हैं दिखते हैं ये बाय कॉन्केव या डिस्क सेप भी कहते हैं ठीक है तो अपन याद रखेंगे ह्यूमन के अंदर जो सेप ऑफ द आर होगा वो कैसा होगा बाय कॉन्केव या डिस्क सेप ठीक है नाउ नंबर कितने मिलेंगे ठीक है सो so, Uh, इसका नंबर ना ऐसा एक रेंज होता है ठीक है एग्जैक्ट नंबर नहीं होता या परसेंट टू परसेंट वेरिएशन हो सकता है ठीक है तो वो अपने को इसलिए अपन क्या करते हैं रेंज देखते हैं और जेंडर स्पेसिफ़िक भी होता है अगर आपको सिर्फ इतना ही लिखना हो कि नंबर ऑफ आर बी सी नॉट रिगार्डिंग मेल और फीमेल तो उसका भी मैं बताऊँगा बट बत अभी एक देख लेते हैं कि मेल के, के अंदर कितने होते हैं और फीमेल के अंदर कितने होते हैं तो वी कैन सी इट कि ह्यूमन मेल में जो नंबर है आर का वो होता है 4.5 पॉइंट फाइव टू सिक्स मिलियन सेल्स पर मीटर क्यूब मीटर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड ओके एम एम इज़ मिली मीटर क्यूब ऑफ द ब्लड तो उसके अंदर हम देखते हैं मेल के अंदर कितना है 4.5 पॉइंट फाइव टू सिक्स मिलियन सेल्स अगर ह्यूमन फीमेल की बात की जाए तो वहाँ पे होता है फोर फोर मिलियन टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ द ब्लड ठीक है अगर एक कॉमन नंबर आपको अगर लिखना हो तो आप फाइव मिलियन सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड लिख सकते हो अगर एक सिर्फ आपको नंबर इन ह्यूमन पूछा जाए तो मेल और फीमेल के चक्कर में ना जाके अगर एक कॉमन वर्ड आपको कॉमन एवरेज uh, देना है तो यू मे राइट फाइव मिलियंस सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड ओके ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि इसकी लाइफ स्पैन कितनी है ऐसा नहीं है कि आर ना एक बार अगर उसकी डेवलपमेंट uh, हो गई अगर उसकी uh, वो बन गई है तो एक लाइफ एक्रॉस ह्यूमन बॉडी वो रहेगी ऐसा नहीं है उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होती है जिसके बाद वो डेथ हो जाती है उसकी है ना तो उसके बाद वाप ये कंटिन्यूस प्रोसेस है उसका मरना और उसका बनना ठीक है तो लाइफ स्पैन अगर आईबीसी का अपन को कोई कहे तो हमेशा अदर वन ट्वेंटी डेज अप्रॉक्स ये एवरेज है ठीक है ना तो इसके साथ हमारा आईबीसी का बेसिक uh, खत्म होता है वी विल स्टार्ट विद द ल्यूकोसाइट ओके दैट इज डब्ल्यूबीसी तो डब्ल्यूबीसी का सबसे पहले स्टार्ट वे वाले स्टार्ट विद इट्स फुल फॉर्म क्या होगा भाई तो इसकी फुल फॉर्म होगी वाइट ब्लड कार्पस्कल्स डैट इज सेल्स ओके और ये ना लार्ज साइज के होते हैं किसके रेस्पेक्ट में आर के रेस्पेक्ट में ठीक है तो आर के रेस्पेक्ट में इनकी साइज़ कैसी होगी लार्ज होगी ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंट जो है आर और डब्ल्यू के अंदर कि डब्ल्यू जो होता है वो कैसा होता वो है वो न्यूक्लिएटेड होते हैं ठीक है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ओके अगेन वन मोर थिंग लाइफ स्पैन लाइफ स्पैन हमने देखा था कितना है ऑलमोस्ट आर uh, का वन ट्वेंटी डेज है ना बट लाइफ स्पैन ऑफ द डब्ल्यू बी सी इज़ अप्रॉक्स ट्वेंटी डेज होता है ट्वेल्व टू ट्वेंटी डेज ठीक है तो अपने को ये ध्यान रखना है कि लाइफ स्पैन डब्ल्यू का कम होता है और आर uh, की ज़्यादा होती है ओके okay. एक चीज़ वो मिस हो गई है यहाँ पे कि आर के अपन ने फंक्शन नहीं डिस्कस किए हैं ठीक है थीके? तो देखो आर का आखिर ब्रॉड देखो आपके एन में ये बहुत ही डिटेल डिस्कशन कहीं पे भी नहीं है बस एन ने क्या करा आर बी सी डब्ल्यू बी सी ओ प्लेट लिख के बस वो स्किप कर गई है तो अपन ने थोड़ा सा उसको डिटेल समझाया सो डैट कि अपनी अंडरस्टैंडिंग में आ जाए अगर सपोज और एक चीज़ और है कि आ, सारे टेक्स्ट बुक एन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं कुछ ज़्यादा डिटेल में डील करते हैं तो कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम ना है कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम ना है डेट्स वाई थोड़ा सा अपन ने डीप चले गए हैं पर इससे ज्यादा मत जाना इट इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर यू ठीक है इतने अच्छे से कंसोलिडेट कर लोगे ना तो ये मोर देन एनफ है ठीक हाँ, to तो uh, है हाँ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक द फंक्शन तो फंक्शन क्या होता है आर क्या वही फ़ंक्शन करेगा जो जो ब्लड के अंदर जो फंक्शंस आते हैं तो उसमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन कैसे करता है तो ये देखो जो आर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करता है ठीक है और वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ कैरी ब्लड में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करता है तो बेसिकली क्या हुआ पूरी ब्लड में ऑक्सीजन कैरी हो रहा है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वहाँ जाके ऑक्सीजन दे के सी ओ टू वहाँ से लेके वापस लंग्स को दे देते हैं तो ये रेस्पिरेशन जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो तो हमारे लंग्स तक ही है पर जो इंटरनल रेस्पिरेशन के जो हैं गैसेस एक्सचेंज वो काम हमारे ब्लड के थ्रू ही हो रहे हैं अक्रॉस द बॉडी ठीक है और दूसरा है कि एसिड बेस बैलेंस रखना मतलब बेसिकली पीएच ऑफ द जो ब्लड है उसको मेंटेन रखना तो वो सारा डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वो हायर क्लासेस के लिए अभी अपने को अगर रेस्पायरेशन का समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से आपको हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होकर जाता है मसल टिश्यूज़ के पास वहाँ से सी लेता है और वो ऑक्सीजन उनको दे देता है और इस तरह से रेस्पेरेशन में उनका हेल्प करता है एसिड बेसिड सॉरी एसिड बेस बैलेंस में पीएच बैलेंस के हिसाब से आप समझना बस इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा है अभी इससे ज़्यादा बिल्कुल मत जाना बहुत सफिसियंट है है ना ज़्यादा टाइम बचे तो मैथ्स प्रैक्टिस करो एस करो पर एक्स्ट्रा भी इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाना है तो देखो हमने क्या डिस्कस किया लिकोसाइड लिकोसाइड भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है ना तो अभी चलो थोड़ा सा लिकोसाइड का वापस से डिटेल में थोड़ा और देखते हैं इसके फंक्शन और नंबर वगैरह है ना ओके नाउ लिकोसाइड का नंबर हमको अगर पूछे तो याद रखो ये इसके नंबर ना बहुत कम होते हैं आर के रेस्पेक्ट में आर बी का अपन मिलियंस में बात कर रहे थे ना 4.5 पॉइंट फाइव टू सिक्स मिलियंस के रेंज में अपन बात कर रहे थे बट इन लिकोसाइड दे आर स्मॉल इन साइज सॉरी लार्ज इन साइज कंपेरिजन टू आर बट दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन नंबर इन कंपेयर टू आर तो आर बी सी के यहाँ पे इसका नंबर क्या होगा सेवन थाउजेंड टू इलेवन थाउजेंड मिली मीटर क्यूब पर ब्लड ठीक है बहुत ही छोटा अमाउंट है ठीक है और इसकी लाइफ स्पेन भी कम होती है कितनी होती है देखा था हमने ट्वेल्व से ट्वेंटी डेज तक अब देखो थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाना जा रहा हूँ अगर आपके टेक्स्ट बुक में ये दे रखा है टाइप्स ऑफ डब्ल्यू तो आप ध्यान रखना अदरवाइज़ अगर नहीं दे रखा तो जस्ट फॉर इन्फ़ो देख लो इन्फो के लिए तो टू टाइप्स के होते हैं डब्ल्यू है ना ग्रैनुल्स के प्रेजेंस और एबसेंस के बेसिस पे आ, उनको हम क्लासिफाई करते हैं पहला है ग्रैनुलो साइट और दूसरा क्लासिफिकेशन है ए ग्रैनुलोसाइट साइट जिसमें ग्रैनुल एबसेंट हो गए ठीक है तो जो ग्रैनुलोसाइट्स साइट्स होते हैं उनके अंदर तीन पार्ट फर्दर मतलब वो तीन टाइप के होते हैं तीन अलग अलग ग्रैनुलोसाइट मिलते हैं हमको वो होता है न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल एंड योसिनोफिल ठीक है एक ग्रैनुलसाइड में मोनोसाइट आ जाते हैं एंड लिम्फोसाइड आते हैं देखो ये सारे जो डिस्कसन uh, है ना ये सब हायर क्लासेस के हैं बट अगर अगर मेंशन कर रखा है तो यहाँ तक जाना अब मैं इसके फर्दर डिटेल में नहीं जाऊँगा कि न्यूट्रोफिल क्या है कैसे काम करता है कैसे दिखते हैं वो सब एलेवन ट्वेल्थ बेसिकली इलेवन ट्वेल्थ या टेंथ से स्टार्ट होती है तो अपन ना वहाँ स्टेप इन नहीं करेंगे वी विल स्ट्रिक्टली रिमेन अंडर आवर सिलेबस ओके तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ डब्ल्यू बी सी डेट इज वन इज एंड अनदर वन इज ए ग्रेनुलट ओके नाव फंक्शन देखो डब्ल्यू का जो मेजर फंक्शन है ना डिफेंस मैगनिज्म में बहुत बड़ा फंक्शन है जो ये तुम्हें न्यूट्रो न्यूट्रोफिल दिख रहे हैं मोनोसाइट दिख रहे हैं ना इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, फंक्शन uh, होता है हमारी बॉडी के डिफेंस में ये क्या करते हैं कि ब्लड में रहते हैं ऑब्वियसली सारे ब्लड के ही पार्ट है तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी बाहर से कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वायरस है ना वो हमारी बॉडी के अंदर अगर इंटर करने में सक्सेसफुल हो गए और ब्लड के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो दीज मोनोसाइड न्यूट्रोफिल विल आइडेंटिफाई देम एंड दे विल डिस्ट्रॉय देम दे विल ट्राई टू तो डिस्ट्रॉय देम ओके तो इस तरह से वो क्या करते हैं हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते, है। होते हैं स्नोफिल और बेसोफिल एलर्जिक और इंफ्लामेशन जो रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे जाते हैं पर चलो वो सब थोड़ी आगे की बात हो गई अपन नहीं जाएंगे उधर तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा था कि ये हमारे डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हमारी कंट्री में सोल्जर्स होते हैं ना बॉर्डर पे दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फॉरेन एनिमी लाइक वाइज ये बॉर्डर uh, पे तो नहीं होते हैं दे आर इन ब्लड बट दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम अगर वो हमारे बॉडी के अंदर आ गए हैं तो नाउ दे डब्ल्यू विल सिविल डिफेंस द बॉडी फ्रॉम देम और उन उनके साथ उनकी आ, लड़ाई होगी ओके नाउ डब्ल्यू बी सी हो गई आरबीसी okay? हो, हो गई अब थर्ड वन डेट इज ए प्लेटलेट ओके नाउ प्लेटलेट में अपन क्या देखेंगे सबसे पहले इसका कॉमन नेम आता है जो कि थ्रोम्बोसाइट ठीक है अब देखो क्या होता है ओके ओके, तो थ्रोम्बोसाइट्स इसका तो पहला तो अपन ने इसका कॉमन नेम देख लिया कि दूसरा क्या नाम है इसका थ्रोम्बोसाइट है ठीक है कैसे होंगे ये भी स्मॉल होंगे डब्ल्यू जैसे बड़े नहीं होंगे साइज़ में और ये कलरलेस होंगे जैसे है ना डब्ल्यू भी थे कलरलेस ही थे वो और ये क्या होता है आ, इनका जो आ, न्यूक्लियस है ना यहाँ पे भी एबसेंट होगा ठीक है तो प्लेटलेट में देखो न्यूक्लियस एबसेंट है और दूसरा एबसेंट कहाँ था हमारे आर में न्यूक्लियस का अगर प्रेजेंस कहाँ था तो सिर्फ डब्ल्यू के अंदर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट था ठीक है और इनका जो सेप होता है ना बड़ा इरेगुलर होता है ये ओवल भी हो सकते हैं स्फेरिकल भी हो सकते हैं तो इसलिए मैंने अलग अलग सारे सेप ने लिख के कॉमन लिख दिया ई रेगुलर सेप के होंगे ये ठीक है दूसरा आ, इनकी लाइफ स्पैन अगर तुम देखो तो ये ये भी ऑलमोस्ट डब्ल्यू बी सी है उससे भी कम लाइफ स्पैन इनका होता है डेट इज़ एट टू टेन डेज़ का ऑन एवरेज हम लेके चलते हैं ठीक है लाइफ स्पेन इतने दिनों तक प्लेटलेट रहते हैं ओके okay? और हाँ वन मोर थिंग कि अगर हमारे को पूछा जाए कि आखिर प्लेटलेट का फंक्शन क्या है ठीक है तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है प्लेटलेट का वो होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर तुम अपने को देखते ना कि कहीं अगर अपन कट लग जाए अपनी बॉडी के अंदर तो क्या होता है सबसे पहले वहाँ से कुछ इनिशियली uh, तो ब्लड बाहर आता है ब्लीडिंग होती है ना पर एक दो तीन मिनट के बाद अपन क्या देखते हैं कि अगर कट बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो जो ब्लड है उसका ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है वहाँ पे देखते हैं अपन क्लॉट का फॉर्मेशन होता है वहाँ से एक कुछ ऐसा बनता है वहाँ पे और जो उस ब्लड को बाहर आने से जो कट कट पार्ट है वहाँ से ब्लड को बाहर आने से रोकता है तो वो जो क्लॉट होता है ना जो वहाँ पे आ, कट पार्ट के ऊपर बन जाता है उस जगह पे जो ब्लड का रिसना वहाँ से निकलना को रोक देता है वो काम कौन करता है तो हमारा प्लेटलेट करता है यानी कि हमें थ्रोम्बोसाइट्स करते हैं ठीक है तो वो हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट करने में ठीक है दूसरा अगर कहीं अंदर में अगर ब्लड वेसल्स का अगर कहीं कहीं इंजरी की वजह से अगर माइनर रैप्चर हो गया वो टूट कहीं लगा है डैमेज हो गई है तो वहाँ पे भी रिपेयरिंग का काम इंटरनली कौन करता है तो वो हमारे प्लेटलेट्स करते हैं ठीक है अगेन इट्स आल्सो हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी ओके सो वी कैन सी कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो हमारे लिए सबसे ज़्यादातर एक आर और उसका डब्ल्यू ठीक है तो अब एज अ टोटैलिटी में अगर पूरा का पूरा सिर्फ हमसे कोई ये पूछे कि आप ये बता दो कि ब्लड का फंक्शन क्या है तो अपन क्या करेंगे ये सारे फंक्शन जो हमने आर बी सी डब्ल्यू बी सी का देखा है ना सबको याद करके और सबका फंक्शन को वहाँ लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा ब्लड की फंक्शन हो जाएगी ठीक है तो अगेन वी विल स्टार्ट विद पहला याद है ना आर के अंदर पहला क्या फंक्शन था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस दूसरा ब्लड का एक और इम्पॉर्टेंट काम है वो न्यूट्रिशन भी अपने साथ डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुँचाती है डेट इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल थर्ड वन इज़ वेस्ट मटेरियल भी एक बॉडी uh, के हर पार्ट में कुछ बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट वेस्ट मटेरियल जो भी डेवलप हुए वो सबको ब्लड अपने साथ कैरी करती है और उसको हेल्प करती है बॉडी के बाहर ले जाने में है ना वहाँ तक पहुँचा देती है ताकि ये बॉडी के बाहर इजैक्ट आउट हो जाए तो वेस्ट मटेरियल के अंदर भी अपन देखते हैं सब की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल में ब्लड हेल्प करती है नेक्स्ट वन इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स अब हार्मोन्स जैसे आपको पता है कि पैनक्रियाज से निकल रहे हैं थायरॉइड से होते हैं तो जो जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन से निकलते हैं तो फ्रॉम वहाँ से एक ऑर्गेन से जहाँ से वो निकला है और जहाँ उसको काम करना है जिस जगह पे उस हार्मोन की ज़रूरत है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो कैसे जाएंगे वहाँ कोई ट्रेन तो आ नहीं रही है कोई बसेस तो आ नहीं रहे हैं अपने पास व्हीकल तो है नहीं तो जाएंगे कैसे तो वो जाते हैं ब्लड के थ्रू तो क्या होता है जो हारमोन रिलीज़ करने वाले ऑर्गनस हैं वो ब्लड जो उनके पास से जो ब्लड गुजर रहा है उसमें वो ब्लड अपना हारमोन रिलीज़ कर देते हैं और वो हार्मोन उस ब्लड के साथ साथ जिस बॉडी पार्ट पे जाके जहाँ पे उसको फंक्शन करना है उसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच जाती है उस ब्लड के साथ और वहाँ पे जाके अपना फंक्शन को परफॉर्म करती है तो वी कैन सी इट कि फंक्शन ऑफ ब्लड के अंदर दे आर फोर फंक्शन एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटीरियल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ़ हारमोन्स ठीक है तो डैट्स आओ ये जो हमारा फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू था उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ब्लड नाओ इट ओवर इट गेट्स ओवर ओके सो अब अपन दूसरा जो पार्ट अपन ने जो डिस्कस किया था वो था लिफ याद है ना मैंने बोला था लिम्फ ओके सो तो लिम्फ के अंदर थ्रू और बहुत ही छोटा पॉइंट बहुत ही छोटी टॉपिक होती है ये लिम्फ अभी हमारे को डिटेल में इसको करना भी नहीं है और वैसे भी ये टॉपिक ज़्यादा बड़ी नहीं होती है ब्लड की तरह तो वी विल Take the characteristic feature of the lymph and its function. Okay, so now स्टार्ट विथ द लिम्फ तो लिम्फ के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि is a again fluid connective tissue है but ये ब्लड की तरह रेड नहीं है ये कैसा है कलरलेस होती है ओके अब ये कलरलेस क्यों होती है इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये डब्ल्यू बी सी इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है और अगर तुम डब्ल्यू बी सी का आपको पता हो क्या होता है इसका फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स ओके नेक्स्ट कि इसके अंदर ना सिर्फ डब्ल्यू बी सी होती है आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों लिम्फ के अंदर एबसेंट होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अपने को बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि जो आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं वो एबसेंट होते हैं कहां पे लिम्फ में ठीक है नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इट इज फाउंड बिटवीन द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हाँ ये पॉइंट अगर समझने में थोड़ा दिक्कत हो तो प्लीज फोकस अभी मुझ पर मेरी बातों पर फोकस करो देखो क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ना तो सेल्स के बीच में क्या होता है बहुत सारे इंटर सेलुलर स्पेसिस भी प्रजेंट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ये लिम्फ प्रेजेंट होता है और उस जो सेल्स होते हैं आपको पता है कि बहुत सारे सेल्स टिश्यू बनाते हैं तो एक तरह से उस टिश्यू के अंदर ये क्या है एक फ्लूड है लिम्फ इज़ ए फ्लूड फ्लूड कनेक्टेड टिश्यू तो इसको हम टिश्यू फ्लूड भी कहते हैं ठीक है तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ठीक है और दूसरी बात जो जैसे ब्लड को फ्लो करने के लिए ना एक अलग वेसल सिस्टम है जैसे आर्टरीज़ है वेंस है है ना तो लिम्फ को भी आ, आ, फ्लो करने के लिए एक जगह से दूसरी तरह जगह जाने के लिए एक अलग ही सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम ठीक है और लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर क्या होते हैं लिम्फ वेसल्स होते हैं ऐसा नहीं हो कि लिम्फ आर्टरी लिम्फ आर्टरी और लिम्फ वेसल्स अलग अलग नहीं होंगे वहाँ एक लिम्फ वेसल्स होगा और दूसरा uh, वो सारे लिम्फ वेसल मिलके क्या बनाएंगे एक सिस्टम बनाएंगे जिसको अपन कहेंगे लिम्फैटिक सिस्टम तो लिम्फ अपने अलग नेटवर्क से फ्लो करता है ठीक है उसके ब्लड के नेटवर्क से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है दे बोथ आर ऑन अ सेपरेट सिस्टम ओके okay. नाउ ये बस एक कैरेक्टरिस्टिक था हमारा लिम्फ का इससे ज़्यादा अपन लिम्फ के अंदर नहीं जाएंगे दे आर मोर देन सफिशेंट हमारे पास एनफ मसाला है हमारे पास एनफ कंटेंट है कि अगर इस लिम्फ से क्वेश्चन आएगा तो अपना क्वेश्चन वो सही हो जाएगा वी हैव डैट मच कंटेंट टू मेक आवर पॉइंट ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन अब देखो फंक्शन के अंदर क्या करना है कि दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लिम्फ का एक जो होती है कि इट इज़ हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ़ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूड देखो ब्लड वहाँ तक नहीं जा सकती है टिश्यूज़ के बीच में जो बहुत ही टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उसके बीच में बहुत ही फाइन जो गैप हैं वहाँ तक ब्लड के आर्टरीज नहीं जा सकते हैं तो वहाँ पे ये हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ़ मटेरियल बिटवीन न्यूट्रिशन देता है और और वेस्टेज वगैरह को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कौन ब्लड एंड टिश्यू सॉरी लिम्फ हेल्प करती है ब्लड और टिश्यू फ्लूड्स के बीच में ओके नेक्स्ट इज इन्फेक्शंस के इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन तो लिम्फ में बहुत ही छोटी टॉपिक थी आई सेड बट आप इतना अगर ध्यान रखते हो तो ये इट्स आपके सिलेबस के बहुत ही अच्छे से उसको कवर अप कर लेता है आ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है नाइन्थ क्लास के अंदर ब्लड फ्लूड टिश्यू के अंदर सो so, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको लिम्फ में भी ज़रूरत नहीं है डोंट गेट डिसआडेंट के छोटा पॉइंट है या छोटी टॉपिक ये टॉपिक ही बहुत ही छोटी होती है सो डोंट वरी जस्ट इतना कॉन्सोलीडेट कर लो इतना अच्छे से कर लो